दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ खाने के बाद आने वाली चार डिकारों के बारे में। और अगर इन चार डिकारों के बारे में आप अच्छे से समझ जाएंगे तो कभी भी आपको गैस, कब्ज, एसिडिटी, जोड़ों का दर्द, मोटापा, समय से पहले बुढ़ापा, ये सारी चीजें नहीं आएंगी। और लेकिन उसके लिए आपको वीडियो को आखिर तक जरूर देखना होगा, क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन इतना काम का होगा कि आज से पहले आपको कभी किसी ने नहीं बताया होगा। इस वीडियो को करिएगा जमकर शेयर, क्योंकि ये वीडियो आपके साथ साथ आपके जानने वाले की जिंदगी को बदल कर रख देगा। जब हम बार बार खाना खाते रहते हैं और पेट अपना जरूरत से ज्यादा भर लेते हैं तो हमारा शरीर हमें संकेत देता है, किसके थ्रू? डिकारों के थ्रू। लेकिन हम उसको इग्नोर करना शुरू कर देते हैं और इग्नोर करने की वजह से हमारे शरीर में ये सारी तकलीफें अपनी जगह बना लेती हैं। तो अगर आप इन तकलीफों को दूर रखना चाहते हैं तो अपने शरीर से आने वाले मिलने वाले संकेतों को ध्यान से पहचानिए, क्योंकि दुनिया में आज तक कोई भी ऐसी मशीन नहीं बनी है और ना ही कभी बनेगी जो खाने से खून, मांस और बाकी की चीजें बना सके, जो बिना पूछे हमारा शरीर अपने आप से करता रहता है। जैसे आंखों का झपकना, दिल धड़कना, खाने का पाचन होना, लीवर से विषैले पदार्थों को बाहर निकालना, शरीर से मल को बाहर निकालना आदि, ऐसे बहुत सारे कार्य हैं जो शरीर खुद करता रहता है। शरीर के इन कार्यों में रुकावट भी आती है हमारे गलत खान पान की वजह से, जिसके कारण क्या होता है, भोजन दूषित होता है और अंदर ही अंदर सड़ने लगता है। जब शरीर से मल बाहर नहीं निकलता तो हम उल्टी चीजें खाते रहते हैं, फिर शरीर उस मल को निकालने के लिए रोग उत्पन्न करता है। वो हमें सचेत करता है कि इस बीमारी में, इस रोग में हमें ये गलती दोबारा नहीं करनी। हमारा शरीर हमसे ये बिल्कुल नहीं कहने वाला कि भाई साहब, आज जो आप खा रहे हैं या जो आपने खाया है वो पचेगा नहीं, बल्कि वो सड़कर बाहर निकलेगा। बल्कि हमारा शरीर से लक्षण प्रकट होते हैं और हमें उन लक्षणों को समझना होगा और तय करना होगा कि हमें कितना खाना चाहिए, कब खाना चाहिए और कब नहीं खाना चाहिए। पेट में अगर कुछ गलत चला गया है तो उसे बाहर कैसे निकालना है, उनके बारे में जानकारी होना अवश्य। डिकार भी शरीर का एक छोटा सा मैसेज होता है, इसका रहस्य और महत्व जिसने जान लिया उसको खाना पूरे तरीके से हजम होना शुरू हो जाता है। हमारा आमाशय एक थैली नुमा है जिसका आकार एक मुट्ठी जितना होता है। ध्यान दीजिए दोस्तों, इसमें हमारा सारा भोजन एक साथ होता है। ये आमाशय छोटा है लेकिन ये अपने आकार से 3 से 4 गुना बड़ा हो सकता है, क्योंकि ये थैली नुमा है। यहां हमारा भोजन 5 से 6 घंटे के लिए रुकता है। सुबह सुबह हमारा आमाशय सिकुड़ जाता है और आमाशय में कुछ शुद्ध वायु रहती है। जैसे ही आमाशय में पहला भोजन पहुंचता है, भोजन से लगभग आधा भर जाता है, लगभग इतना, तो आमाशय से शुद्ध वायु हमारे मुंह की तरफ आती है, जिसे हम कहते हैं तृप्ति डिकार। कहा जाता है हमारा आमाशय हमें चेतावनी देता है कि हमारा पेट भर चुका है, अब तृप्ति हो गई है, खाना बंद कर दीजिए, क्योंकि आमाशय आधा तो भोजन से भरता है और आमाशय का 1/4 भाग पाचक रसों से भरता है। अब बाकी बचा 1/4 भाग खाली रहना चाहिए, क्योंकि आमाशय में भोजन को हजम करने के लिए मंथन क्रिया होती है जो भोजन को हजम करने में मदद करती है। इसको आपको एक सरल भाषा में समझाती हूँ। जैसे कि अगर आप लोग अपने मुंह को पूरा पानी से भर लेंगे तो कुल्ला नहीं कर पाएंगे, और मटके को वहीं दही से पूरा भर देंगे तो दही का बिलोरा नहीं कर सकते। ठीक उसी प्रकार से आमाशय को अगर हम खाली नहीं छोड़ेंगे तो आमाशय में मंथन क्रिया नहीं होगी, और मंथन क्रिया नहीं होगी तो हम खाना हजम नहीं कर पाएंगे और वो हमारे शरीर में सड़ने लगेगा। लेकिन हम तो आमाशय से दी हुई चेतावनी की परवाह ही नहीं करते और हम खाते रहते हैं और खाते रहते हैं। थोड़ी बहुत बची हुई शुद्ध वायु भी वे डकार के रूप में बाहर आती है, जिसे पूर्ण डिकार कहा जाता है। वो हमें चेतावनी देती है कि वो पूरा भर चुका है, अब वो भोजन हजम नहीं कर सकता। लेकिन बात यही खत्म नहीं होती, भोजन को जो हजम करने के लिए जो पाचक रस चाहिए था वो फिर भी निकलते रहते हैं, क्योंकि ये शरीर का नियम है। उस एसिड को आमाशय में जाने के लिए जगह नहीं मिलती, क्योंकि आमाशय को तो हमने पहले से ही पूरा भर लिया है। अब वो एसिड आमाशय में ऊपर की नली की तरफ पड़ा रहता है। ऐसी अवस्था वाले लोगों को आपने हमेशा कहते हुए सुना होगा कि उनके शरीर में एसिड बहुत ज्यादा बन रहा है, जलन हो रही है, उनके शरीर में एक अलग सा तेजाब बन रहा है। अब आगे की कहानी और खतरनाक होने वाली है, ध्यान से सुनिएगा। आमाशय में जो भोजन हमने ठसा ठसा कर भर लिया है उसकी दशा बंद डिब्बे के जैसे हो जाती है। अब ना तो इसको पाचक रस मिलने वाला है और ना ही मंथन क्रिया के लिए कोई जगह। ऐसी अवस्था में भोजन सिर्फ पड़ा रहता है और सिर्फ सड़ता रहता है। जब भोजन सड़ता है तो गैस बनती है और गैस का कुछ भाग आमाशय के ऊपर की तरफ और ये भोजन नली के साथ मिलकर हमारे मुंह तक आती है, जिसको हम कहते हैं खट्टी डिकार आना।
खाते हम गुलाब जामुन है, आनी हमें मीठी डिकार चाहिए, लेकिन आ हमें खट्टी डिकार रही है। जरा सोचिए, अगर हम तृप्ति डिकार आते ही भोजन लेना बंद कर देते तो हमें गैस और तेजाब का अनुभव नहीं होता। अगर अभी भी हम तृप्ति डिकार आने के बाद भी भोजन खाना बंद नहीं करते तो ऐसे लोगों को जिंदगी भर उनके शरीर में तेजाब और एसिड की शिकायत रहती है और वो उनका पीछा कभी भी नहीं छोड़ेंगे। आप इस बात को बिल्कुल भी ना भूलें कि देश की 80% आबादी गैस और तेजाब से पीड़ित है। यहाँ हमने आपको बताया 3 डिकारों के बारे में, अब चौथी डिकार बची है जिसे हम कहते हैं भूख डिकार। हमारे अमाशय भोजन को 5 से 6 घंटे बाद छोटी आंत में ढकेल देता है, चाहे वो भोजन सड़े या फिर पचा हो। उसके बाद हमारे अमाशय सिकुड़ने लगता है और एक वायु हमारे मुंह तक जाती है जिसे हम कहते हैं भूख डिकार। इसके द्वारा हमारे अमाशय ये कहना चाहता है कि आपने जो काम मुझे दिया था वो मैंने कर लिया है, अब मैं थोड़ी देर के लिए आराम करना चाहता हूँ। जब आपको भूख डिकार आए तो उसके कम से कम 1-2 घंटे बाद ही आपको खाना खाना चाहिए, जब आपको बहुत जोर से भूख लगी हो, ताकि अमाशय को थोड़ी देर रेस्ट करने का मौका मिले। तृप्ति डिकार और भूख डिकार का अनुभव लगभग हर इंसान को होना चाहिए। हम में से बहुत लोगों को तो तृप्ति डिकार के बारे में पता ही नहीं होता, क्योंकि हम में से बहुत सारे लोग 24 घंटे सिर्फ खाते ही रहते हैं, जिसकी वजह से हमारा अमाशय फैला ही रहता है, उसको सिकुड़ने का समय ही नहीं मिलता, जिससे अमाशय की लचक खत्म हो जाती है। ऐसे में तृप्ति डिकार का अनुभव नहीं हो पाता। लेकिन जैसे जैसे आप नोटिस करेंगे, हमारा पेट भरने लगता है, हमें थोड़ा सा हेवीनेस फील होने लगता है। जब आपको भी ये संकेत मिलने लगे आपके शरीर से, तो आप तुरंत ही खाना खाना बंद कर दें, बिना ये सोचे समझे कि आपको प्लेट का पूरा खाना खत्म करना है। इसके लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है, इससे खाना भी बर्बाद नहीं होगा, खाने का अनादर भी नहीं होगा और आपका शरीर एक डस्टबिन नहीं बल्कि शरीर बना रहेगा। इसके लिए जब भी आप खाना खाते हैं तो पहले थोड़ा खाना लें, फिर दोबारा थोड़ा खाना लें। इससे आपको आपका पेट भरा हुआ भी महसूस होगा और आप ज्यादा खाना खाने से बच पाएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको 4 डिकारों के बारे में बताया है, जिसके बारे में आपको अनुभव होना बहुत जरूरी है। तो प्लीज आज से ही अपने तृप्ति डिकार को पहचाने, हर समय खाना खाना बंद करें और भूख डिकार को जानने के बाद भी जब बहुत जोर से भूख लगे तब उसका सेवन करें, ताकि हमारा खाना पच सके, ना कि सड़ सके। ऐसे में अगर आप इन चीजों को फॉलो करेंगे तो जिंदगी भर मोटापा, हड्डियों का रोग, समय से पहले बुढ़ापा, एसिड, तेजाब, ये सारी चीजें आपके शरीर से कोसों दूर रहेंगी और आप निरोग जीवन जी पाएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को बनाने में लगी है बहुत सी मेहनत, वीडियो को कर दीजिएगा जमकर शेयर, क्योंकि आपका एक शेयर बहुत सारे लोगों की जिंदगी को बेहतर बना देगा। तो ऐसे ही आपके लिए हमेशा कुछ नया और बेहतर लाती रहूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।